नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंट और पेरेंट्स का ये कहना है कि सर, जो हमने OMR मार्कशीट को डाउनलोड किया था NTS से और उसकी जो आंसर की आई थी, उन दोनों के हमने नंबर मिलाए थे जब हमारे नंबर कुछ और थे, लेकिन जब नीट का रिजल्ट आया तब हमारे नंबर और कुछ हैं। अप्रोक्स कई स्टूडेंटों का 20 से 30 नंबर का फ़र्क पड़ा है, कई स्टूडेंटों का 5, 7, 10, 15 मैक्सिमम 40 नंबर तक का भी फ़र्क देखने को आ रहा है। दोस्तों, जो स्टूडेंट बाउंड्री लाइन से काफ़ी दूर हैं, वो तो चलो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें जब भी नहीं मिलता 30 नंबर ज़्यादा होते जब भी नहीं मिलता, लेकिन जो स्टूडेंट 575 से ऊपर हैं, अगर उनका एक भी नंबर कम हो रहा है या एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो OMR मार्कशीट आपने डाउनलोड की थी वो और नीट के रिजल्ट, उनको जो मिला के कैलकुलेट किया था वो स्कोर और करंटली जो स्कोर आया, इन दोनों का PDF बना के आप NTA की ऑफिशियल साइट पर सेंड करें। और दोस्तों, ये एक बात और मैं बता देता हूँ, जैसे हम कई बार कोई मेल कर देते हैं तो रिप्लाई नहीं आ पाता, जैसे मैं व्हाट्सएप पर वीडियो डालता हूँ तो व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं YouTube पे वीडियो डालने के बावजूद, तो कई बार मैं सारे मैसेजों का रिप्लाई नहीं दे पाते। जैसे मैंने व्हाट्सएप खोला तो ऊपर के 10-15-20 मैसेज तो अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन 4-5 घंटे बाद अपन फ़ोन खोलते हैं तो काफ़ी मैसेज काफ़ी नीचे चले जाते हैं, तो आलस आ जाता है। ऐसे NTA में हो सकता है ऐसा हो कि आप मेल करो और वो आपका मेल आपने किया रात को 8 बजे के बाद ऑफिशियली काम नहीं होता और वो मेल सुबह तक 100 मेल उसके ऊपर आ गए तो वो नीचे वाला ना करें। तो आप हर 3-4 घंटे में मेल करते रहें, कभी ना कभी आपका ओपन करेंगे और कुछ ना कुछ उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे काफ़ी स्टूडेंटों के साथ हो रहा है या हो चुका है और सभी को एक्टिव रहने की आवश्यकता है। और जिन स्टूडेंटों ने OMR मार्कशीट को डाउनलोड पहले नहीं किया था, मैं आपको पहले भी कहा था आप रख लो अपने पास, बाद में प्रॉब्लम आएगी। और काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर, हमारी ऑल इंडिया रैंक और काउंसलिंग रैंक अलग अलग आ रही है, तो उसके बारे में एक उन्होंने नोटिस डाला, उन्होंने कहा है कि ये काउंसलिंग रैंक इसलिए अलग है क्योंकि एक नंबर पर काफ़ी स्टूडेंट हैं तो उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव आ गया है, तो इस बारे में ज़्यादा घबराए नहीं आप। और अगर आपके साथ भी ऐसी ट्रेजेडी हुई है तो आप भी कमेंट करके बताएं और अपने लेवल पर कार्रवाई करें। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर पर भी आप बात करें, एक दो बार में मैडम से नहीं उठा पाती, इतने स्टूडेंट कॉल करते हैं, लेकिन आप रेगुलर ट्राई करते रहें, आपको ज़रूर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ज़रूर आपको अच्छा रिप्लाई मिलेगा। और जैसे और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताएं, व्हाट्सएप नंबर मेरा है ही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।